अलैकुम, वेलकम टू समीना ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह, तो हम उठ चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और रईसा लईजा का नाश्ता मैंने बना लिया है, लेकिन अभी तक ये रईसो नहीं उठ रही है। अलीजा अभी उठ के मुँह धोने के लिए चली गई और रईसा को मैं जगा रही हूँ। इधर देखो, यहाँ से उठ के ये कहाँ पर सोई हुई है। ये उठ जाओ रईसमा, उठो, देखो नहीं उठी है। इसकी प्लेस है यहाँ पर और ये आई है यहाँ पर। जैसे मैं इसको उठा रही हूँ, ये किसके यहाँ पर आ चुकी है। उठ जाओ रईसो, उठ जाओ, बिस्मिल्लाह बोल, उठ जाओ। देखो अभी फाइनली उठ चुकी है रईसो। और अपना फेस दिखाओ इधर, सुबह का फेस। तो चलिए, रात को वो आई है दावत से तो लेट सोई है, तो अभी उठने के लिए इन लोगों को मसला होता है। तो चलिए अभी जा कर के मुँह धो लो, अभी तैयार होना है स्कूल के लिए, चलो। और ये देखिए अलीजा फेस वॉश करके आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी चलो दोनों जा कर के अपने यूनिफॉर्म पहनो। तो ये देखिए अभी ये चले गए हैं फेस वॉश करने के लिए। तो जैसे फेस वॉश करके आओ, मैं नाश्ता दूँ और तैयार हो जाऊँ, ठीक है? ठीक है, चलो। तो यहाँ देखिए मैंने चाय बना ली है, सुबह की चाय, और इनके लिए रोटी बना लिया है मैंने और इसे ढक। तो चलिए नाश्ता इन्हें दे देते हैं, तब तक वो अपना यूनिफॉर्म भी पहन ले। कि हमारी बाजू जो गली है हमारे घर के राइट साइड में, वहाँ पर शादी हुई थी, तो अभी भी ये मंडप ऐसे लगा हुआ है। और थोड़ी सी आज यहाँ पे धूप दिख रही है, कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ था। ये देखिए आज है फ्राइडे, तो देखते हैं आज का जो भी डेली रूटीन होता है मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ बैंक, मेरी बैंक से मुझे काम है थोड़ा, तो अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। मैंने लंच बना दिया था, अभी तक रईस और अलीजा तो अभी नहीं आएंगे, 4:30 को आएंगे। तो मैंने अपना काम घर का जो है लंच बना के मैं निकल चुकी हूँ। अभी मैं हूँ सिग्नल पे, कमल हंडी के सिग्नल पे, तो यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना होगा। तो मेरा थोड़ा सा बैंक का मसला है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो बैंक को जा कर के मेरा प्रॉब्लम जो है अभी मैं देखूंगी क्या हो रहा है, तो वहां जाके उसके बाद का मैं शूट करूंगी। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ मेरे बैंक को और मैंने बाइक लगा दिया है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यह है कमंडली रोड, अभी तो आफ्टरनून है इस वजह से थोड़ा रश कम है। तो चलिए चलते हैं बैंक के अंदर। बैंक के बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पर वेट कर रही हूँ, क्योंकि आधा काम तो हुआ है, मतलब फ़ोन मैं वो चेक करके बोलेंगे कि क्या है प्रॉब्लम। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ी देर में बस यहाँ से निकल जाऊँगी। अभी टाइम हो गया है 4:30, तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे यहाँ पर आके। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अच्छा है मौसम भी, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट कर निकले कहा है, तो बाद में यहाँ से निकल जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए कॉर्न है जो उबल के मिलता है, और यहाँ पर अच्छा है, और यहाँ पर कुछ आ रहा है, मतलब ये देखिए और मैं घर आ चुकी हूँ। आकर के मैंने अपना लंच खाया और ये देखिए मेरे घर की हालत, मैं यहाँ पर कुकिंग करके गई थी। तो ये देखिए सारा मैंने बुरखा निकाल के यहाँ रख दिया है भाया, और थोड़ा क्लीनिंग करना है। आज मैंने वॉश किए सारे ब्लैंकेट्स, बाहर भी एक ब्लैंकेट है जो मुझे अभी ड्राई करने के लिए डालना है।
तो थोड़ा घर क्लीन करना है अभी। मैं करके गई थी लेकिन अभी फिर से गंदा हो चुका है। तो चलिए पहले मैं अभी लंच तो मैंने खा लिया, अभी मैं बनाऊंगी चाय। चाय बनाने के बाद तो मैं बिरयानी बना के गई थी, तो अभी खाएंगे। खाने का तो हो गया, अभी मैं बनाऊंगी चाय। चाय पी करके मैं जाऊंगी रईसा और लईजा को अरबी से लेकर आने के लिए। टाइम हो चुका है 6:15, वो आएंगे 6:30। और हमारे घर के बाहर जो है गणेश फेस्टिवल चल रही है, तो मैं घर का दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती इतना ज़्यादा। हमारे घर के पास एक मिनट में लॉक कर दूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो है गणेश फेस्टिवल हो रहा है, हमारे घर के पास जो है गणेश फेस्टिवल हो रहा है। मैं एक मिनट के लिए भी अपना डोर ओपन नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, ये लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। दो जगह में बड़े बड़े जो है गणेश फेस्टिवल। ये देखिए मेरा साउंड अभी थोड़ा सा कम हुआ है पीछे, अभी फिर से स्टार्ट। तो मैं दरवाज़ा खोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि जब म्यूज़िक बंद होगा तभी हम खोल सकेंगे। तो अभी मैं थोड़ी पहले सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी रईसा और लईजा को लेने के लिए, और वो आकर के बाद में उनको तो ट्यूशन स्कूल में ही मैंने डाल दिया है। अभी इवनिंग टाइम उनको मिलेगा सिर्फ होमवर्क करने के लिए। पहले वो जाती थी सुबह स्कूल 5 बजे से, वो अरबी जाती थी, और जैसे अरबी से आती उसके बाद वो जाते थे ट्यूशन को। तो उनको आने के लिए 8:30 9 o'clock हो जाता था, तो ज़्यादा टाइम हो रहा है। इस वजह से मैंने क्या किया, अभी उनको स्कूल में ही ट्यूशन कर दिया है। तो 3:30 होने के बाद 4:30 तक वो ट्यूशन ख़त्म करके आ जाती हैं। आने के बाद बस उनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट्स चेंज करके अरबी को जाने के लिए। 5 o'clock को अरबी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से आते 6:30 या 6:45 को वो अरबी से आती है। आने के बाद फिर से उनको, फिर उनका रूटीन यही है, बस थोड़ा सा टाइम उनके लिए 1 आवर थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ी देर खेल लेती हैं। तो चलिए अभी मैं पी लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद जाएंगे दोनों को लेने के लिए। तो ठीक है, ये छोटा सा मेहमान हमारे घर आ चुका है अभी, और मेरी माँ उसको ले रही है। मैं अभी घर आ चुकी हूँ, वहाँ से मेरे अम्मी के घर से आज जो है मेरे भाई का छोटा सा लड़का जो है वो आ चुका है अपने नानी के घर से अपने दादी के घर को। तो मैंने बाहर का लाइट ऑन कर दिया जो मैं ऑफ करके गई थी। तो चलिए अभी डोर का लॉक ओपन करते हैं और अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ अभी। चलिए मैं खाना तो वहीं से खा के आ गई थी मेरे अम्मी के घर से। तो बस अभी सुबह से मैं घूम घूम के घर के काम करके बहुत ज़्यादा आज थक चुकी हूँ, क्योंकि आज था फ्राइडे। तो अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और रईसा भी आ चुकी है। तो चलिए अभी सो जाते हैं, सुबह में फिर से उठना है, इन लोगों की स्कूल है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।